नमस्कार, आप सुन रहे हैं क्रिकेट की किस्सा गोई। इंडियन प्रीमियर लीग में सोमवार को दो किंग्स के बीच कड़क मुकाबला हुआ। चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच ये मैच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में पंजाब ने चेन्नई को चित कर दिया। ये मैच आखिरी ओवर तक गया। आखिरी ओवर में पिच पर एमएस धोनी भी थे, लेकिन धोनी अनहोनी को होनी नहीं कर सके। पंजाब ने चेन्नई को 11 रनों से मात दे डाली। सोमवार को आईपीएल का 38वां मैच खेला गया। सीएसके ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब की टीम की तरफ से शिखर धवन पूरी लय में दिखे। उन्होंने भरोसेमंद पारी खेलते हुए मैदान के चारों तरफ शॉट लगाए। धवन 59 गेंद पर 88 रन बनाकर नाबाद रहे, तो वहीं श्रीलंकाई बल्लेबाज राजपक्षे ने 32 गेंदों पर 42 रनों की पारी खेली। बाद में लियाम लिविंगस्टोन ने भी जोरदार छक्का लगाया। पंजाब ने 20 ओवरों में 4 विकेट पर 187 रन बनाए। 188 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी चेन्नई की शुरुआत अच्छी नहीं रही। केवल 10 रन पर ही रॉबिन उथप्पा के रूप में पहला विकेट गिर गया। उसके बाद 30 रन के स्कोर पर मिशेल सेंटनर भी आउट हो गए। फिर शिवम दुबे भी पिच पर टिक नहीं सके और 40 रनों पर ही चेन्नई के 3 विकेट गिर गए। इसके बाद अंबाटी रायडू ने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ एक अच्छी साझेदारी की। सीएसके की ओर से रायडू ने सबसे ज्यादा 39 गेंद पर 78 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए आखिरी 12 बॉल में 35 रनों की जरूरत थी। ऐसे समय क्रीज पर द ग्रेट फिनिशर यानी एमएस धोनी मौजूद थे और उनके साथ थे टीम के कप्तान रविंद्र जाडेजा। लेकिन इस 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने सिर्फ 8 रन ही दिए, जिसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स के सामने आखिरी ओवर में जीत के लिए 27 रनों का पहाड़ आ गया। रही सही कसर एमएस धोनी के तीसरी बॉल पर आउट होने से पूरी हो गई। चेन्नई केवल 6 विकेट पर 176 रन ही बना सकी। आखिरी ओवर में ऋषि धवन ने शानदार बॉलिंग की। चेन्नई ने पिछले मैच में मुंबई को हराया था, वो जीत के जोश के साथ मैदान में थी। हालांकि पंजाब इस सीजन में चेन्नई को पिछले मैच में हरा चुका था, इसलिए पंजाब के भी हौसले बुलंद थे। लेकिन पंजाब ने ये मुकाबला जीतकर अब तक 4 मैच जीत लिए हैं। इस मैच की खास बात दूसरी ये भी थी कि पंजाब के गेंदबाज ऋषि धवन ने फेस मास्क पहनकर बॉलिंग की। उन्होंने शिवम दुबे को आउट किया। ऋषि धवन हाल ही में नाक का ऑपरेशन करा के लौटे हैं, इसलिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने फेस मास्क लगाया था। बहरहाल 6ठी हार मिलने के बाद अब प्ले ऑफ में पहुंचने की चेन्नई सुपर किंग्स की उम्मीदें काफी कम रह गई हैं। तो क्रिकेट किस्सा कोई में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।